दोस्तों, आपने आज तक बहुत सारे गेम्स देखे होंगे और खेले भी होंगे, लेकिन आज हम आपको एक ऐसा गेम दिखाने वाले हैं जिसमें टॉस या पासे नहीं बल्कि लोग शामिल हैं। और इस गेम में दोस्तों हार नाम का कोई भी शब्द ही नहीं है। अगर कुछ है तो वो है मौत, लेकिन फिर भी ये जानते हुए कि हारने के बाद मौत है, क्यों खेल रहे हैं लोग इस गेम को? वेल दोस्तों, मूवी काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो पूरे इंटरेस्ट के संग कहानी में डूब जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हम आपको बिल्कुल भी रोकेंगे नहीं। वीडियो पसंद आए तो बेधड़क लाइक कीजिए। कहानी की शुरुआत होती है दोस्तों मेन किरदार सियोंग से। आज उसकी बेटी का जन्मदिन था, पर क्योंकि उसके पास एक भी रुपया नहीं था, इसलिए उसकी मदर उसे कुछ पैसे देती है, पर उसे ज्यादा पैसे चाहिए थे, इसलिए सियोंग अपनी मदर का ATM चुरा कर उनके सारे पैसे हॉर्स राइडिंग पर लगा देती है। लेकिन दोस्तों आज उनकी किस्मत अच्छी थी, इसलिए सियोंग 4 मिलियन वॉन जीत जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो इन पैसों से ऐश करता, वहाँ रिकवरी वाले आ जाते हैं। दरअसल सियोंग ने कंपनी से बहुत सारे पैसे उधार ले रखे थे। रिकवरी करने आए लोग सियोंग को अच्छे से धोल देते हैं, जिसके बाद सियोंग उन्हें पैसे देने लगता है। पर जब वो अपनी जेब में हाथ डालता है तो देखता है कि जेब तो फटी हुई है, यानी कि बिल्कुल खाली। तब सियोंग को याद आता है कि जब वो इनसे बचकर भाग रहा था तब वो एक लड़की से टकराया था। हो सकता है कि उसके पैसे उस लड़की ने ही चुरा लिए हों। इस पर रिकवरी वाले आए लोगों का लीडर उसे एक जोरदार मुक्का चढ़ता है और 1 महीने का टाइम देकर अपनी पलटन को लेकर वहां से चला जाता है। इसके बाद सियोंग जैसे तैसे पैसों की जुगाड़ करता है और अपनी प्यारी सी बेटी को डिनर पर लेकर जाता है। डिनर के बाद सियोंग स्टेशन पर जाता है, पर बदकिस्मती से उसकी ट्रेन मिस हो जाती है। यहाँ बैठा सियोंग अपनी बुरी किस्मत को कोस ही रहा था कि तभी एक आदमी वहाँ पे आता है और सियोंग के साथ एक गेम खेलने को कहता है, जिसके बदले में वो सियोंग को 1,00,000 वॉन देने की बात कहता है। सियोंग भी राजी हो जाता है और दोनों के बीच गेम हो जाता है शुरू, जिसमें दोनों एक दूसरे को मारते हैं और आखिरकार सियोंग ये गेम जीत जाता है। इसके बाद वो अनजान शख्स सियोंग को पैसे और एक कार्ड देता है और कहता है कि अगर तुम चाहो तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके और पैसे जीत सकते हो। रात को सियोंग को उस कार्ड का ख्याल आता है और वो उस पर दिए गए नंबर पर फोन करता है, जिसके बाद एक गाड़ी आती है और सियोंग को लेकर चली जाती है। यहाँ सियोंग के साथ और भी लोग थे। अब इन सबको बेहोश कर दिया जाता है। जब सियोंग की आंख खुलती है तो हम देखते हैं कि एक बड़े से हॉल में वहाँ बहुत सारे लोग हैं और वो सब इसी गेम का हिस्सा है। इन सबको एक ही यूनिफॉर्म पहनाई गई है। यही हमें पता चलता है कि ये सब किसी न किसी तरह के कर्जे में डूबे हुए हैं, बिल्कुल सियोंग की तरह। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें इस गेम का लीडर दिखाया जाता है, जो इन सब पर नजर रखे हुए था। इसे फ्रंटमैन के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर कुल 456 लोग थे। अब इन सबको बाहर ले जाया जाता है। यहीं सियोंग एक बूढ़े आदमी से मिलता है जिसको ब्रेन ट्यूमर था। इसके बाद हमें एक लड़की और लड़का झगड़ते हुए नजर आते हैं। इस लड़के का नाम होता है दोस्तों जैंग और लड़की का होता है साइपियो। ये वही लड़की थी जिसने सियोंग की पॉकेट मारी थी। अब सियोंग उस लड़की से अपने पैसे मांगने जा ही रहा होता है कि तभी वहाँ मुंह पर मास्क और पिंक कलर की ड्रेस में कुछ गार्ड्स आते हैं, जो इन्हें गेम और गेम के रूल समझाते हैं। गार्ड्स बताते हैं कि तुम सबको कुछ 6 गेम खेलने हैं, जो जीता उसे बहुत सारे पैसे मिलेंगे और जो हारा उसके साथ क्या होगा ये उसी वक्त पता चल जाएगा। इसके बाद इनसे कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन करवाया जाता है, जिसके 3 मेन रूल्स थे। पहला, कोई भी अपनी मर्जी से इस गेम को बाय बाय नहीं कह सकता है। दूसरा, जो भी गेम खेलने से मना करेगा उसे एलिमिनेट कर दिया जाएगा। तीसरा, मेजॉरिटी चाहे तो इस गेम को खेलने से मना कर सकती है। इसके बाद इन सबको गेम के लिए ले जाया जाता है, जहां सियोंग अपने क्लासमेट सैंगवू से मिलता है, जो कि बिजनेस के लिए बाहर गया हुआ था। अब इन सबको गेम समझाया जाता है और गेम ये था कि सामने एक डॉल है, वो जब तक गाना गाएगी इन्हें आगे बढ़ना है और जैसे ही उसका गाना बंद होगा इन्हें वहीं फ्रीज हो जाना है और जो भी हिलेगा या कोई भी मूवमेंट करेगा उसे एलिमिनेट कर दिया जाएगा। गेम शुरू होता है। और इनमें से एक आदमी गाना बंद हो जाने के बाद भी हिल जाता है, उसके ऐसा करते ही उसे शूट कर दिया जाता है, यानी कि एलिमिनेट, बोले तो दुनिया से रवाना। तो गेम से बाहर हो गए बेवकूफ, नाटक बंद कर और खड़ा हो जा। अब ये सब बहुत घबरा जाते हैं और वहां भगदड़ मच जाती है।
और इस तरह 456 में से सिर्फ 255 लोग ही जिंदा बचे थे। अब क्योंकि लोग ये समझ चुके थे कि यहाँ पर खेलना मतलब जान गंवाना है, तो सभी लोग गेम से स्किप करना चाहते हैं। और अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 3, इन सभी को इनके घर छोड़ दिया जाता है। अब हम सियोंग को देखते हैं जो पुलिस स्टेशन जाता है और उन्हें सब बता देता है, पर कोई भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता। और उसने जो कार्ड पुलिस को दिखाया था उस पर भी गलत नंबर लिखा हुआ था, इसलिए वो घर जाता है तो देखता है कि वहाँ उसकी मदर नहीं है। कुछ देर बाद उसे पता चलता है कि उसकी मदर हॉस्पिटल में है, उनके पैर में बहुत चोट आई है। डॉक्टर सियोंग को कहता है कि इनका ऑपरेशन करना होगा और इसके लिए बहुत सारे पैसे लगेंगे। दूसरी तरफ सेंगवू के ऊपर भी 6 बिलियन का कर्जा था और सियोंग का दूसरा फ्रेंड भी कर्ज से परेशान था। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें साइबियोग दिखाई जाती है, जो कि अपनी माँ को नॉर्थ एरिया से साउथ एरिया में लाना चाहती थी और उसको भी पैसों की जरूरत थी। कुल मिलाकर इन सभी को पैसों की जरूरत होती है, इसलिए ये सब गेम को दोबारा खेलने की सोचते हैं। यही कहानी में हमें एक ऑफिसर की एंट्री देखने को मिलती है जो कि अपने भाई को ढूंढ रहा था। जब वो अपने भाई के घर जाता है तो उसको वही कार्ड मिलता है जो उसने सियोंग के पास पुलिस स्टेशन में देखा था, इसलिए ऑफिसर सियोंग के पास जाता है और सियोंग उसे कुछ नहीं बताता। इसके बाद एक बार फिर इन सभी प्लेयर्स को दिखाया जाता है जिन्हें बेहोश करके एक शिप के पास ले जाया जाता है। यही हम उस ऑफिसर को भी देखते हैं जिसने एक गार्ड को मार दिया था। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम इन सभी प्लेयर्स को एक आइलैंड पर बने बड़े से हॉल में देखते हैं जहां इन्हें अगले गेम के लिए तैयार किया जा रहा था। अब इन सभी प्लेयर्स को प्लेग्राउंड में लाया जाता है। यहां इनके सामने 4 शेप्स होती हैं और इन्हें एक शेप चुनकर इस ठोस लिक्विड में से उसे बिना डैमेज किए बाहर निकालना है और जिसने भी शेप खराब की उसे एलिमिनेट कर दिया जाएगा। अब क्योंकि ये बहुत रिस्की था तो सियोंग डर जाता है, पर आखिरकार वो उस शेप को निकालने में सफल हो जाता है। वही जो हार जाते हैं उन्हें मारकर वहां से ले जाया जाता है। गेम खत्म होते ही इन सबको खाने के लिए ले जाया जाता है। दूसरी तरफ हम एक सीक्रेट रूम में एक प्लेयर को देखते हैं जो कि डॉक्टर था और यहाँ पर मरे हुए लोगों के ऑर्गन्स निकाल रहा था। असल में ये लोग गेम के लीटर से छुपते हुए मरे हुए लोगों के ऑर्गन्स निकाल कर उन्हें बेच देते थे। यही गार्ड्स इस डॉक्टर को अगले गेम के बारे में भी बता देते हैं। जब डॉक्टर जाकर जैंग की टीम का हिस्सा बन जाता है और उसे अगले गेम के बारे में भी बता देता है, यहाँ हमें दिखाया जाता है कि 30 मिनट बाद लाइट्स बंद हो जाएंगी। जैंग की शक्ल देखकर सेंग वो समझ जाता है कि जरूर कुछ उल्टा सीधा करेगा। और जैसे ही लाइट्स बुझ जाती है, जैंग अपनी टीम के साथ वहां मौजूद सभी लोगों को मारने लगता है। वो साइबियोग को मारने ही वाला होता है कि तभी सियोंग उसे बचा लेता है। इसके बाद वहां पे गार्ड्स आ जाते हैं और फायरिंग कर देते हैं और अब 186 लोगों में सिर्फ 80 लोग ही जिंदा बचे हुए थे। अगली सुबह इन सभी को तीसरे गेम के लिए ले जाया जाता है जहां इन्हें 10-10 प्लेयर्स की एक टीम बनाने के लिए कहा जाता है। यहां पे हम देखते हैं कि जैंग, जिसे गेम के बारे में पहले से ही पता था, वो साइबियोग की फीमेल फ्रेंड को अपनी टीम से निकाल देता है जो कि सेंगवू की टीम में चली जाती है। गेम का नाम था टग ऑफ वॉर, जिसमें एक टीम को रस्सी से खींचकर दूसरी टीम को नीचे गिराना था। यह जैंग की टीम इस गेम को इजीली जीत लेती है। वहीं वो बूढ़ा शख्स जो कि सेंगवू की टीम में था, वो कहता है कि मुझे पता है कि ये गेम कैसे जीत सकते हैं, और उसके कहे अनुसार सेंगवू की टीम भी ये गेम आसानी से जीत जाती है। गेम खत्म होने के बाद ये सब फिर से अपने अड्डे पर चले जाते हैं जहाँ फिर से 30 मिनट के बाद लाइट्स बंद होने वाली थी, इसलिए सेंग वो अपनी टीम से कहता है कि सब तैयार हो। दूसरी तरफ हम डॉक्टर को देखते हैं जो मरे हुए लोगों के पुर्जे निकालने में लगा हुआ था। यही ये गार्ड्स एक पॉटी के बारे में बात करते हैं और उसे ज़ॉम्बी कहकर पुकारते हैं। गार्ड्स कहते हैं कि उसकी सिर्फ एक ही किडनी है। खैर, इसके बाद गार्ड नंबर 28 और 29 को वो ऑर्गन्स लेकर बाहर जाना था और यही हमें पता चलता है कि गार्ड नंबर 29 कोई और नहीं बल्कि वही ऑफिसर था जो अपने भाई की खोज में निकला था। ऑर्गन्स लेकर जब ये दोनों गार्ड्स, मतलब एक ऑफिसर एक गार्ड, टनल से जाते हैं तो गार्ड नंबर 28 बताता है कि हमारे निकलते ही उस टनल को ब्लास्ट कर दिया जाएगा। यहाँ वो ऑफिसर उस गार्ड से उस पेशेंट के बारे में पूछने लगता है, जिस पर गार्ड को शक होता है और वो ऑफिसर से अपना मास्क हटाने को कहता है। ऑफिसर मास्क तो हटाता है, साथ ही गार्ड नंबर 28 को गन पॉइंट पर भी ले लेता है। यहाँ वो गार्ड को बताता है कि वो पेशेंट तो एक लड़की थी, लेकिन उसे ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो लीडर के रूम में जा सकता है। ये सुनते ही ऑफिसर उस गार्ड को गोली मारकर वहीं फेंक देता है। इधर डॉक्टर्स गार्ड से पूछता है कि अगला गेम क्या है, पर इस बार गार्ड्स को भी कोई नॉलेज नहीं थी, इसलिए डॉक्टर गुस्से में आ जाता है और एक गार्ड को मारकर वहां से गेम वाली जगह पर आ जाता है। यहां गार्ड उसका पीछा करता है और उसे अपनी बातों में फंसाने लगता है। तभी वहां पर लीडर यानी कि फ्रंट मैन आता है और उस डॉक्टर को मार डालता है। यही इन्हें गार्ड नंबर 28 की बॉडी मिलती है और अब लीडर समझ चुका था कि कोई घुसपैठिया गैंग में घुस आया है। दूसरी तरफ हमें ऑफिसर नजर आता है
जो अब रिकॉर्ड्स वाले रूम में पहुंच चुका था। इधर इन सबको अब अगले रूम के लिए ले जाया जाता है और सभी को अपना अपना पार्टनर चुनने के लिए कहा जाता है। इसके बाद इन सबको 10-10 मार्बल्स दिए जाते हैं और गेम ये था कि एक पार्टनर को दूसरे पार्टनर के सारे मार्बल्स लेने हैं। जिनके पास मार्बल नहीं उसके पास लाइफ भी नहीं। इस गेम में वो बूढ़ा आदमी सियोंग का पार्टनर था और वो गेम खेलने में नौटंकी करता है। इस पर सियोंग उसके सामने गिड़गिड़ाता है और कैसे भी करके वो गेम जीत जाता है। अगले सीन में हम फ्रंटमैन को देखते हैं जिसे अब उस ऑफिसर का आईडी कार्ड मिल चुका था। यहाँ फ्रंटमैन को एक फोन आता है। असल में इस गेम का मजा लेने वाले सारे वीआईपीज अब आ चुके थे और फ्रंटमैन उन्हें लेने जाता है। वीआईपीज को लाने के बाद वो उनके बारे में अपने भी लीडर को बताता है जो कि असल में इस गेम का मास्टरमाइंड था। पर फिलहाल के लिए क्योंकि हुकुम का इक्का तो कोई और ही था, पर कौन यह हमें लास्ट में पता चलेगा। अब हमें सारे प्लेयर्स दिखाए जाते हैं जिन्हें एक रूम में ले जाया जाता है जहाँ कुछ नंबर्स वाली टी शर्ट होती है। सभी प्लेयर्स अपने अपने नंबर्स ले लेते हैं, लेकिन जब सियोंग वहाँ जाता है तो सिर्फ दो ही नंबर्स बचे हुए थे, नंबर 1 और नंबर 16, यानी सबसे पहले और सबसे लास्ट में। सियोंग डरता है कि वो कौन सा नंबर ले। तभी एक आदमी सियोंग के पास आ जाता है और कहता है कि मैं लाइफ में कभी भी नंबर 1 पर नहीं आया, आज ये नंबर मुझे चाहिए। सियोंग भी उसकी बात मानता है और उसे पहले नंबर दे देता है। अब इन सबको एक कमरे में ले जाया जाता है जहाँ दो ग्लास के ब्रश थे जिनमें दो तरह के ग्लास लगे हुए थे, एक चैम्पर्ड और दूसरा आम, चूंकि पैर रखते ही टूट जाएगा। कुछ ही देर बाद गेम शुरू हो जाता है और ये सब एक एक करके मरने लगते हैं। लेकिन गेम के बीच में जैंग जो कि सबके आगे बचता है वो वहीं रुक जाता है और आगे ही नहीं बढ़ता। लेकिन उसके पीछे थी दोस्त उसकी वही फीमेल फ्रेंड जो उसे कहती है कि मैंने तुमसे कहा था कि जिस दिन तुमने मुझे धोखा दिया मैं तुम्हें मार डालूंगी, और उसे पकड़ कर वो नीचे कूद जाती है। इसके बाद इन्हीं में से एक प्लेयर पहचानता था कि कौन सा ग्लास आम है और कौन सा खास, क्योंकि वो ग्लास कंपनी में काम करता था। लेकिन जैसे ही फ्रंटमैन को इसका पता चलता है वो लाइफ ऑफ करवा देता है। लेकिन जैसे तैसे सैंगवू, सियोंग और साय बियोग ब्रिज को पार कर लेते हैं। दूसरी तरफ कमरे में बैठे लीडर को यह पता चल जाता है कि उसके पास खड़ा गार्ड कोई बहरूपिया है, इसलिए वो उसे मास्क हटाने को कहता है। इस पर वो कहता है कि जब हम अंदर जाएंगे तो मैं अपना मास्क निकालूंगा। इसलिए वो ऑफिसर को लेकर अंदर जाता है और उसका मास्क हटा देता है, लेकिन ऑफिसर उल्टा उसे ही बेहोश कर देता है। पर इसकी भनक फ्रंटमैन को लग जाती है और वो उस ऑफिसर के पीछे जाता है और आइलैंड पर पहुंच जाता है, जहां ऑफिसर को पता चलता है कि फ्रंटमैन कोई और नहीं बल्कि उसका वही भाई है जिसकी खोज में वो यहां पे आया है। इसके बाद फ्रंटमैन अपने ही भाई को मार देता है। इधर साइबियो ग्लास टूटने की वजह से बहुत ज्यादा घायल हो गई थी। और जब इन तीनों को डिनर के लिए ले जाया जाता है जहां इनको एक एक चाकू दिया जाता है जिससे ये लोग एक दूसरे को मार सकते थे, सियोंग देखता है कि साइबियोग बहुत घायल है। सियोंग उससे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो डॉक्टर को बुलाने जाता है, पर जब तक वो वापस आता है सैंगवू साइबियोग को मार चुका था। अगला गेम सैंगवू और सियोंग के बीच होता है जिसमें आखिर तक पहुंचते पहुंचते सियोंग की दिलदारी देखकर सैंगवू खुद को मार लेता है और सियोंग ये गेम जीत जाता है। इसके बाद उसे उसके घर छोड़ दिया जाता है और उसे एक एटीएम भी दे दिया जाता है जिसमें विनिंग अमाउंट था। कहानी शिफ्ट होती है सीधी एक साल बाद। यहाँ पे हम देखते हैं कि सियोंग अब नशे का आदि हो चुका है, लेकिन उसने उन पैसों को हाथ तक नहीं लगाया था। एक दिन फूल बेचने वाली एक औरत सियोंग को वैसा ही कार्ड देती है जिस पर एक एड्रेस था। जब सियोंग उस एड्रेस पर पहुंचता है तो वहां उसे वही बूढ़ा आदमी मिलता है जो उसके साथ गेम में था। यहां हमें पता चलता है कि यही बूढ़ा आदमी उस गेम का मास्टरमाइंड था। वो सियोंग को कहता है कि तुम्हारे अकाउंट में जितना भी पैसा है वो मेरा ही है, और इतना कहते ही उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद सियोंग साइबियो के भाई और सैंगवू की मदर को बहुत सारा पैसा देता है और वहां से चला जाता है। स्टेशन पर उसे वही आदमी नजर आता है जो कहानी की शुरुआत में दिखा था, पर जब तक सियोंग उसे पकड़ता है वो ट्रेन में बैठकर चला जाता है और कहानी यहीं पर खत्म होती है। दोस्तों आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो को लाइक और शेयर भी करना, और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।